सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड टॉप 200 प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैंने सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हुए हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आया, तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। अगर बात करें सबसे पहले कौन आया दोस्तों, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो दोस्तों ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी, उस समय भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा जो है ये आपका पुर्तगाल का अधीन बना रहा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो दोस्तों फ्रांसीसियों की बात करें तो इन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वॉन्डी वास का युद्ध जो कि दोस्तों आपका 1760 ईस्वी में हुआ था, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी। तो दोस्तों ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ पर स्थापित की थी, ये स्थापित की थी दोस्तों मुसलीपट्टनम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। दोस्तों बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। नेक्स्ट है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो दोस्तों मुगल बादशाह जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दी थी, हॉकिंस को दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो दोस्तों अगर बात करें प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण इसका तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो दोस्तों यूरोप वासियों को सबसे अच्छा शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर बात करें अंग्रेजों की ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो दोस्तों सूरत में की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान करने वाला शासक कौन था, शाह आलम द्वितीय था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर था। तो दोस्तों पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पर स्थापित की थी, हुगली में स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो दोस्तों द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मुंबई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों बात करें 18वीं सदी में कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे और सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों सबसे पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपका 1749 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध उसके बाद लड़ा गया था दोस्तों 1757 में। उसके बाद दोस्तों वॉन्डी वॉस का युद्ध हुआ था 1760 में, और सबसे अंत में हुआ था बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था आपका 1764 में। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं। तो दोस्तों अगर बात करें इस कथन की, तो ये कथन गलत है, सही नहीं है ये कथन, क्योंकि पुर्तगालियों का शासन गोवा पर शुरू हुआ था सन 1510 ईस्वी से। अगला प्रश्न है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो दोस्तों भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें किसने की थी, तो दोस्तों वास्को डी गामा ने की थी।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर से। अगला प्रश्न देखिए, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो दोस्तों अभी मैंने बताया वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि आपका एंग्लो फ्रेंच संघर्ष भी कहलाता है दोस्तों, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई थी आपसे पूछी जा रही है? तो दोस्तों पेरिस की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? दोस्तों जब 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया, उस कालीकट के तट पर उतरा तो राजा जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी? तो दोस्तों पुर्तगालियों की बात करें तो इन्होंने कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो दोस्तों ये फरमान जारी किया गया था फरुख सियार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो दोस्तों ये संधि की थी बाजीराव सेकंड ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी की बात करें तो ये आपका हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? दोस्तों पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुक्रुक को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो दोस्तों ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था? ये हराया था दोस्तों थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो दोस्तों गोवा पर अधिकार अल्फांसो डी अल्बुक्रुक के द्वारा किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में अपना व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो दोस्तों ये कालीकट पर उतरा था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो दोस्तों वो अंग्रेज कौन था? सर थॉमस रो थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ये छीना था दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से। अगला प्रश्न हमारा देखिए दोस्तों है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ये स्थापित हुई थी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ये 1600 ईस्वी में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों ये 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो दोस्तों हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना? दोस्तों इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन दोस्तों राजा राममोहन राय के प्रयास से हुआ था। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसको सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो दोस्तों आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा मंगल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो इसके नेता थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? दोस्तों थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी, इसने भारत में 1882 में अडियार में अपना पहला मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये थे ई.वी. रामास्वामी नायकर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बैटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो दोस्तों वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों विलियम बैटिंग के द्वारा ये लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है या व्याख्या की गई? तो दोस्तों यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुखा रात किसे कहा गया? महाराष्ट्र का सुखा रात दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे को कहा गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र विद्या वागीश ने इसकी बागडोर संभाली थी। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े थे? तो दोस्तों ये हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों देवबंद आंदोलन से कौन जुड़े थे? अबुल कलाम आज़ाद जुड़े थे। शारदा मणि कौन थी? तो दोस्तों ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी सन 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों ये थे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1896 में। दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है हमारा, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन कब हुआ था शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट का? सितंबर 1893 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान दोस्तों कमार पुकुर गाँव हुगली जिले में था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये वेल्लूर में है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये दोस्तों एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शिव दयाल साहब इसके संस्थापक थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो दोस्तों इसको कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। कितनी निर्धारित की दोस्तों? 14 वर्ष निर्धारित की। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों सैयद अहमद खां इसके रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये कहा था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ये नारा दोस्तों दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द को प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो दोस्तों ये माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो दोस्तों शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। M.C. शीतलवाड़, V.N. राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किसके प्रख्यात सदस्य थे दोस्तों? मद्रास लेबर यूनियन के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अहमदिया या फिर कादयानी आंदोलन जो कि आपका 1889-90 में हुआ था, ये किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखिए, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों ये पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था। तो दोस्तों ये रहा था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। तो दोस्तों वायकॉम सत्याग्रह जो था ये केरल में चलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपायों के प्रावधान किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये किए गए थे दोस्तों भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। नेक्स्ट देखिए, पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। तो दोस्तों ये की गई थी भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक युग का मनु B.R. अंबेडकर को कहा जाता है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले B.R. अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिता रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था महू छावनी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया। तो दोस्तों बड़ौदा के महाराज ने इसमें बड़ा सहयोग दिया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। बिरसा मुंडा दोस्तों इसके नेता थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो दोस्तों ये मेजर बरो को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब विद्रोह खड़ा किया था। दोस्तों मुंडाओं ने 1895 ईस्वी में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन आंदोलन का समय कब था, 1926 से 1939 तक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह था। तो नील सत्याग्रह क्या था दोस्तों, जो कि 1917 में हुआ था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध ये था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों रांची में इनका कार्य क्षेत्र था। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों लखनऊ में ये आयोजित की गई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। ये 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो दोस्तों ये आपका तीन कठिया कानून से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, उल गुलान या फिर महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, मालाबार के क्षेत्र में हुआ था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसका था। दोस्तों ये गारो का विद्रोह था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी। सही आंसर हो जाएगा भील विद्रोह। भील विद्रोह आपका महाराष्ट्र में घटित हुई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक थे। दोस्तों हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है। तो दोस्तों C.N. मुदालियार जो है ये इससे नहीं संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, द्रविड़ कड़ंगम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कड़ंगम, जिसको कि DMK भी कहा जाता है, इसके संस्थापक थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे, अन्नादुरे इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे नामक सैनिक ने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था।
दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? दोस्तों इसकी पहली बैठक जो हुई थी ये बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेसी नेताओं में से कौन भारत का एक महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का एक महान वृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर इसमें पहले चुने गए भारतीय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, AO ह्यूम यानी कि एलन ओंगटोवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, AO ह्यूम को ही दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी। भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी इसके प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने इसको लड़ा था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी? दोस्तों मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में दोस्तों इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर के द्वारा की गई थी। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। और दोस्तों ये कांड जो था ये मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? दोस्तों गरम दल से अरविंद घोष संबंधित थे। कामागाटा मारू दोस्तों ये क्या है? ये कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत गोत्वा समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों इसके लेखक थे। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अंबेडकर ने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो दोस्तों ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू से ये संबंधित है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो दोस्तों विट्ठल भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था।
आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद चटर्जी दोस्तों आनंद मठ के लेखक थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने इसको प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 1784 में हुई थी, सर विलियम जोन्स इसके प्रवर्तक थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? तो दोस्तों भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। तो दोस्तों देवदास उपन्यास ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? तो दोस्तों ये सबसे पहली बार गाया गया था कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ये जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया दोस्तों इसके लेखक हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सैडलर आयोग इसका संबंध शिक्षा से है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसको लागू कर दिया था। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया था? दोस्तों अली बंधुओं ने इसका प्रारंभ किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों उड़ीसा बिहार से 1936 में पृथक हुआ था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो दोस्तों इसको लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन शिरोल दोस्तों इसके लेखक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले दोस्तों इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो दोस्तों द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है ये तमिल भाषा में नहीं छापा गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो दोस्तों हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेल्जिली ने की थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? दोस्तों ये बने थे सर सैयद अहमद का। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों ये की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दोस्तों ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएँ हैं, उनका नाम क्या है? दोस्तों गोदान और गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को बंकिम चंद चटर्जी ने उनके उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार बनी? तो दोस्तों इसका आधार क्या बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।